नहीं सर। तो लास्ट क्लास में हम लोग टॉर्क डिस्कस कर रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किसी को कोई डाउट? बच्चों टॉर्क हमने डिफाइन किया था, टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। सपोज एक फोर्स लग रहा है एफ, ये पॉइंट है ओ, सो दिस इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ। टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताया था हमने आर एफ साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर ऑन एफ वेक्टर। इसी को हमने ऐसे भी लिखा था आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, या इसी को हमने ऐसे भी लिखा था आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। क्लियर यहां तक? जब जैसा कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंगली हमने लिखना सीखा था। और एक सवाल दिया था जो उसमें कि सारे बच्चे कंफर्टेबल होंगे। अब देयर इज अ रॉड, इसका मास एम एम, इस पे फोर्सेस कौन कौन सा लग रहा था? एंड वन एंड टू, फ्रिक्शन एफ, यहां पे फ्रिक्शन एफ टू एफ वन, इसका वेट एम जी, नाम दे दिया था ए बी ओ, और हमने लिखने के लिए कहा था इतने सारे फोर्सेस का टॉर्क अबाउट ओ लिखो क्या होगा, टॉर्क अबाउट ए लिखो क्या होगा, टॉर्क अबाउट बी क्या होगा। इतना में सारे बच्चे कंफर्टेबल हो, लास्ट क्लास का मैंने क्विक रिविजन कर लिया। बच्चों अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क अबाउट ए लाइन क्या है, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस क्या है, है ना। अभी हमने पॉइंट बताया था, हेडिंग डालो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस और लाइन। जो कोई भी फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट है और बोर्ड के प्लेन में ही दिखा होगा, बट सोचो कि बोर्ड से प्लेन से कुछ ऊपर ऐसा फोर्स है। इट इज नॉट नेसेसरली इन द बोर्ड प्लेन, कुछ भी हो सकता है, और ये एक्सिस अभी बोर्ड के प्लेन में ले लिया। एक पॉइंट में ओडेस ले लेता हूं, एक पॉइंट में ओ ले लेता हूं। ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट सपोज पी है। अगर ओ के अबाउट टॉर्क निकाले बच्चों, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट ओपी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टॉर्क अबाउट ओडेस अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ओडेस पी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। सारे बच्चे देख, लेट्स फोर्स ऐसा है बच्चों, ऐसा फोर्स है बोर्ड के प्लेन में दिखा, बट फोर्स ऐसा है आर क्रॉस एफ, फोर्स टॉर्क जो होगा बच्चों आर क्रॉस एफ ऐसा कुछ होगा एंगल पे। इस पॉइंट के अबाउट लेंगे तो आर क्रॉस एफ ये वेक्टर और ये वेक्टर के प्लेन में होगा। ओ डैश के अबाउट अलग टॉर्क होगा, ओ के अबाउट अलग टॉर्क होगा। अब मैं बात करता हूं कि टॉर्क अबाउट लाइन क्या है, हाउ टू फाइंड पहले मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, टेक एनी पॉइंट
ऑन द लाइन, कोई पॉइंट ले लो लाइन पे। दूसरा पॉइंट, फाइंड टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, लाइन का पॉइंट। तीसरा, उस पॉइंट के बाद कुछ टॉर्क आएगा, कुछ वेक्टर होगा, टेक कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क अलोंग द लाइन। This component is called torque about the axis, about the line. That is called torque about the line. अब सवाल ये आता है कि सर आपने कोई भी पॉइंट लिया, उसके बाद टॉर्क लिया, फिर उसका कंपोनेंट लोगे, तो क्या सारे केस में वो सेम आएगा? यस, सारे केस में सेम होगा। दैट मींस अबाउट एन एक्सिस निकालने के लिए टॉर्क कौन सा पॉइंट ले लाइन पे, इससे इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है ना? कहोगे सर कैसे मान लो कि कैसे इंडिपेंडेंट होगा, सो वी विल प्रूफ दिस। यहां तक लिख लो, लिख के हो जाए तो बताना। सो दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट टेकन ऑन द लाइन। अब ये मैं एक सेकंड में प्रूफ कर देता हूं। टॉक अबाउट ओडेस, क्या लिखा हो तुमने, ओडेस पी क्रॉस एफ वेक्टर, ओडेस पी को क्या लिख सकते हैं, ओ ओडेस, सॉरी ओडेस पी को ओडेस ओ प्लस ओ पी। यहां से देखना, ओडेस पी को मैं लिख रहा हूं ओडेस ओ प्लस ओ पी। ये लिख लो बच्चों, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। टॉर्क अबाउट ओडेस इज इक्वल टू ओ ओडेस ओ क्रॉस एफ प्लस ये क्वांटिटी कुछ और नहीं, ये है, ये ओ और ओडेस दो इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑन दिस लाइन है। मुझे ये प्रूफ करना है कि इसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन और इसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन सेम होगा। दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। इसके बारे में देखते हैं बच्चों, इसके बारे में, ये कैसा वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये ओडेस ओ के परपेंडिकुलर वेक्टर है। कहोगे सर कैसे, ये जो वेक्टर होता है ये इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, ओडेस ओ के परपेंडिकुलर, दैट मींस दिस इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइन।
अब लाइन के परपेंडिकुलर, तो इसका कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं है लाइन के लॉन्ग, मतलब जो कंपोनेंट इसका है वही कंपोनेंट इसका है, ये प्रूफ हो गया जो हमने कहा। बच्चों आपसे आपके बाद जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ना, टॉक अबाउट ए पॉइंट तो डेफिनेशन में पढ़ना है, बट सवाल जब भी करेंगे ना तो टॉक अबाउट ए लाइन ही रहेगा। डैनिस कोई जरूरत नहीं है समझने का, सिर्फ ये कहो कि टॉर्क अबाउट ए लाइन कैसे होता है, एक बार मैं बता रहा हूं। बच्चों एक एक्सिस है, ये एक्सिस और ये फोर्स है, फोर्स जो है बोर्ड के प्लेन में, फोर्स जो है बोर्ड के प्लेन में है और एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बोर्ड प्लेन। अब ये एक्सिस है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं ये पॉइंट चूज किया और ये पॉइंट चूज किया, ये इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालते हैं। अब इसका टॉर्क जो होगा वो कैसा होगा, ये और ये मिलके बोर्ड का प्लेन बन रहा है, इसके परपेंडिकुलर ही होगा, इधर ही होगा, लाइन के लॉन्ग ही होगा, तो कंपोनेंट भी वही लग गया। तो जो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट है टॉर्क इस एफ का, वही इस लाइन के अबाउट है। समझा क्या, क्योंकि इसी डायरेक्शन में, बट इफ वी चूज दिस पॉइंट, इसके अबाउट टॉर्क हो जाएगा आर क्रॉस एफ, इधर होगा, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। जिनको नहीं समझ में आया मैं बता रहा हूं फिर से, कोई दूसरा पॉइंट लाइन पर लोगे तो टॉर्क जो आएगा कुछ एंगल पे होगा, उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो हम ऐसा चूज करते हैं, वो पॉइंट चूज करते हैं जिसके इसमें टॉर्क ना उसी लाइन के लॉन्ग हो जाए, वही टॉर्क अबाउट द एक्सिस हो जाएगा, वही टॉर्क अबाउट द एक्सिस हो जाएगा। तो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट और टॉर्क अबाउट द एक्सिस दोनों सेम हो जाएगा। अब एक और चीज ध्यान देना, पहला पॉइंट अभी मैं बोर्ड के प्लेन में ले रहा हूं, एक्सिस बोर्ड के प्लेन में है और एक फोर्स ऐसा है, तो एक्सिस और फोर्स दोनों बोर्ड के ही प्लेन में है, दोनों मिलकर ये बोर्ड का प्लेन बन रहा है। अब इस एक्सिस के अबाउट अगर फोर्स पूछा जाए, सॉरी इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क, तो बच्चों इस एक्सिस ये जो लोगे तुम ओ ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर और एफ बोर्ड के प्लेन में, इसका टॉर्क इधर होगा, इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा जीरो, है ना। तो इस लाइन के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क हो गया जीरो, या सबसे बेहतर तरीके से बताता हूं, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दो, क्योंकि ये बोर्ड के प्लेन में है तो ये फोर्स कहीं कहीं तो ये कट कर रहा होगा इस लाइन को, ये कट कर रहा है, तो यहां से इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर लेते हैं और फोर्स वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा जीरो, तो ये पॉइंट ओ डैश टॉर्क अबाउट ओ डैश हो गया जीरो। तो जब ओ डैश के अबाउट जीरो, तो इस लाइन के अलाउंग तो जीरो ही होगा, दैट मीन्स अगर कोई फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन किसी एक्सिस को कट कर रहा है तो उस फोर्स का टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट जीरो होगा, इफ लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट एन एक्सिस देन
its torque about the axis will be zero. हेलो, आवाज जा रही है? तो मैंने अभी क्या बताया, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन किसी एक्सिस को कट कर रहा है तो इस लाइन के अबाउट जीरो होगा। ये नहीं कह रहा कि इस लाइन के किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो नहीं होगा, इस पॉइंट के अबाउट जीरो होगा, इस पॉइंट के अबाउट कुछ होगा, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा, लेकिन इसके अबाउट इधर होगा, इसका कंपोनेंट इधर जीरो होगा। अगर मैं पूछूं कि ये लाइन है और ये फोर्स है, दूसरा केस इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, फोर्स इज पैरेलल टू द लाइन। अगर फोर्स पैरेलल टू द लाइन है तो टॉर्क होता है बच्चों आर क्रॉस एफ, तो जो टॉर्क होगा एफ के परपेंडिकुलर है। जब एफ के परपेंडिकुलर मतलब इस लाइन के भी परपेंडिकुलर, और जब लाइन के परपेंडिकुलर तो अलोंग द लाइन कंपोनेंट जीरो, तो टॉर्क जीरो। मतलब अगर फोर्स एक्सिस के पैरेलल है बच्चों तो उसका टॉर्क क्या हो जाएगा उस लाइन के अबाउट, जीरो हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट लिख लेना, इफ फोर्स इज पैरेलल टू an axis, then its torque will be zero about the axis. सारे बच्चों का नोटबुक में होना चाहिए। टॉर्क हमने पढ़ लिया, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होता था, जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते थे तो बोलते थे उस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। यस, नेट फोर्स जीरो, अदरवाइज बॉडी एक्सलेट करेगा। तो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी में पहला कंडीशन, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी जीरो। और बॉडी इक्विलिब्रियम में रोटेट भी नहीं कर रहा है, दैट मीन्स नेट टॉर्क नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो। लेकिन अब टॉर्क की बात कर रहे हैं तो टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट जीरो होना चाहिए? बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है, किसी भी एक्सिस के अबाउट नहीं रोटेट कर रहा, किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा, तो बॉडी में नेट टॉर्क जीरो किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट जीरो होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? टॉर्क किसी भी एक्सिस के अबाउट जीरो होना चाहिए। अब ये तुम्हारे ऊपर जाएगा कि तुम कौन सा एक्सिस चूज करते हो। कौन सा एक्सिस चूज करने से हमें इजीली आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशंस कम होंगे, ये हमें देखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जीरो, हमने पहले पढ़ लिया है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। चलो, तो बहुत ही बेसिक सवाल ले रहे हैं बच्चों, बहुत ही बेसिक सवाल। एक रॉड है,
इसको दो स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, यूनिफॉर्म रॉड। इसमें सपोज टेंशन बच्चों टी वन है और इसमें सपोज टेंशन है टी टू, इसका लेंथ है टोटल एल, मास जो होगा वो मीड पॉइंट पे होगा, यूनिफॉर्म है इसलिए। रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। सवाल रहेगा फाइंड टी वन, सवाल रहेगा फाइंड टी टू। एकदम बेसिक सवाल बच्चों, रोटेशन से मजा आ जाएगा अगर तूने एकदम ध्यान से देखा समझा, बहुत मजा आएगा, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, फर्स्ट वाले केस को कंसीडर करते हैं, न्यूटन्स लॉ को कंसीडर करते हैं, तुमने अभी रोटेशन सपोज नहीं पढ़ा, सिर्फ न्यूटन्स लॉ पढ़ा है, देन only what you can say, you will say that T1 plus T2 जो हो जाएगा ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है। T1 plus T2 कितना आ जाएगा बच्चों, mg के बराबर हो जाएगा। ये सही है, न्यूटन्स लॉ कर सकते हैं, लेकिन T1 क्या है नहीं पता, T2 क्या है नहीं पता, दोनों का समेशन पता है। कुछ लोकल क्लासेस के बुकलेट्स में ये सब में देखोगे तो मान लो ये क्वेश्चंस रहेगा, उनको लगे अच्छा T1 T2 है, फोर्स है, इसको ना न्यूटन्स लॉ में डाल देते हैं, न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में ये क्वेश्चंस को डाल देते हैं, गलत है, ये न्यूटन्स लॉ से सॉल्व नहीं होगा, सिर्फ न्यूटन्स लॉ से। सो क्या कैसे करना है बच्चों, द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम टू, ये पहला इक्वेशन है वो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, और दूसरा जो है कंडीशन के नेट टॉर्क शुड बी जीरो वो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। अब समझदारी कहां है वो देखना, समझदारी क्या है, मुझे टी वन निकालना है, मैं कौन सा पॉइंट चूज करूं कि टी वन इजी निकल जाए, कौन सा पॉइंट, ये मान लो ए दे दिया, ये सी है, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है एम या डी, टॉर्क तो ए के अबाउट भी जीरो है, सी के अबाउट भी जीरो होगा, बी के अबाउट भी जीरो होगा, बिकॉज बॉडी रोटेट तो कर ही नहीं रहा है। बच्चों यहां से स्मार्टनेस दिखाना है कि अगर हमें सी के अबाउट टॉर्क लिखा तो इक्वेशंस में T1 भी आएगा और T2 भी आएगा, मैंने पहले लिखा है सॉल्व हो जाएगा, बट तुम लोग तो ब्रिलियंट बच्चे हो, कहोगे सर अगर मैं इस पॉइंट के बाद टॉर्क ले लेता हूं सिर्फ T1 और mg है, और T1 टॉर्क अबाउट बी पॉइंट, आइदर बी के अबाउट लो या बी से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट लो, तो बी के अबाउट टॉर्क हो जाएगा बच्चों टी वन का, टी वन आर क्रॉस एफ इनटू द प्लेन, और एम जी का टॉर्क आर क्रॉस एफ बताया था, सो एम जी इंटू एल बाई फोर लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस, ये पिछले क्लास में बहुत देर बताया ये सारी चीज, ये आउट ऑफ द प्लेन, इसको पॉजिटिव लिख लेता हूं, माइनस टी वन इंटू ये डिस्टेंस थ्री एल बाय फोर दैट इज इक्वल टू जीरो, सो टी वन इज इक्वल टू थ्री एम जी बाय फोर, और अगर T2 पूछा जाए तो T1 निकाल लिया तो T2 यहां से निकल जाएगा, या फॉर T2 टेक टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, फॉर T2 टेक टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट mg इनटू l बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3l बाय 4।
क्या ये बात समझ में आई बच्चों? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो सर, T1 mg upon 3। मैंने गलती से लिख दिया, T1 क्या हो जाएगा, mg by 3, ये फोर्स चला जाएगा ना, mg by 3। क्लियर ना, T1 आ गया mg by 3, यहां से पुट कर दोगे T2 आ जाएगा, या T2 के लिए इसके बाद टॉर्क ले लो तो आ जाएगा। एक और सवाल लेते हैं, जो मैंने पूछ दिया कि फाइंड टी, इस रॉड का मास है एम, लेंथ है एल, फाइंड टेंशन, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, कैसे निकालेंगे बच्चों टेंशन? बॉडी पे नेट फोर्स जीरो, फोर्सेस कौन कौन सा लग रहा है बॉडी पे? बॉडी में फोर्स लग रहा है mg, बॉडी में फोर्स लग रहा है T, बॉडी पे कुछ फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे nx, यहाँ पे कुछ ny, हिंज भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, बट नेट फोर्स जीरो लिखने से हमारा काम नहीं चलेगा। T निकालना है तो बेहतर तरीका क्या होगा, किस पॉइंट के बाद टॉर्क लें कि हमें T निकल जाए? हिंज, हिंज पॉइंट के अबाउट, कुछ बच्चे बता रहे हैं सर हिंज पॉइंट के अबाउट ले लो, हिंज पॉइंट पे लेने से फायदा क्या है, हिंज का फोर्स का टॉर्क इक्वेशंस में आएगा ही नहीं, तो हमारा इक्वेशन आसान हो जाएगा। आयुष निकम, क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हर्ष बड़े, यस सर, टेक टॉक अबाउट हिंज पॉइंट, बता चुके T इंटू लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे जा रहा आर क्रॉस एफ आउट ऑफ द प्लेन, तो T इंटू एल कॉस थीटा, और इसके बाद हिंज का आर क्रॉस एफ, सॉरी हिंज का नहीं, एमजी का mg l by 2 cos theta, है ना, mg l by 2 sin theta, सॉरी हाँ sin theta, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला, ये वाला डिस्टेंस लेंगे, है ना, ये थीटा है, माइनस mg l by 2 sin theta, तो T आ जाएगा बच्चों एम जी बाई टू टैन थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई?
सर बोलो सर, ये वाले क्वेश्चन में टेंशन का पॉइंट ऑफ इंपैक्ट हम कौन सा मानेंगे? फिर से बोलो सर, ये जो अभी क्वेश्चन हुआ ना उसमें हम टेंशन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पॉइंट ऑफ इंपैक्ट कहाँ पे मानेंगे? टेंशन यहाँ लग रहा है ना सर, वॉल पे भी लग रहा है तो वो नहीं मानेंगे क्या? समर्थ किसका एबीडी ड्रॉ कर रहे हैं? बॉडी का। किसका एबीडी ड्रॉ कर रहे हैं? रॉड का, वो बॉडी का। कभी रॉड बोलते हो कभी वॉल बोलते हो? सर बॉडी बॉडी वो वॉल ने बोला सर। रॉड का, रॉड का एबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, तो रॉड पे कहाँ फोर्स लग रहा है? यहाँ ना। हाँ सर। तो किधर फोर्स है? इधर। लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा? ऐसा किधर जा रहा है? इधर। क्लियर? इसलिए आर आर क्रॉस एफ इधर हो जाएगा। अगर हम ये वॉल का एबीडी ड्रॉ करते तो टेंशन किधर लगता है? इधर लगता। बच्चों एक स्क्वायर प्लेट लिया जिसका मास एम है और इसको ना यहां पे हिंज कर दिया है और ऐसे ये रोटेट कर सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है, तो इसको छोड़ दिया तो ये ऐसे आकर के यहां पे लगा हुआ, ये स्टॉपर है, ये रॉड, ये वर्टिकल लाइन है, दिस इज वर्टिकल। क्या लग रहा होगा कि ये स्टॉपर के पास अगर अपना फिंगर रखो तो क्या लग रहा होगा? फिंगर को प्रेस करेगा कि नहीं करेगा? ये जॉइंट नहीं है बच्चों, ये पूछा गया है कि व्हाट इज एन। क्योंकि सर क्यों प्रेस करेगा? अगर तुम्हें कहा जाए, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें कहा जाए इसको ना दो पॉइंट पे पकड़ के रखो, देखो इसको यहां पे सिर्फ पकड़ते हैं, यहां पे देखो कैसे जा रहा है, किधर जा रहा है? ये पीछे जा रहा है। इसको रखने के लिए देखो मैं फिंगर से इसको प्रेस कर रहा हूं, इधर दिख रहा है ये? तो ये मैं फिंगर से कितना फोर्स इधर लगा रहा हूं ये निकालना है। इज इट क्लियर? बच्चों यहां पे हिंज पे भी फोर्स लग रहा है, हिंज पे किधर फोर्स लग रहा होगा? एक हिंज पे फोर्स लग रहा होगा ऊपर एन वाई, और एक फोर्स इधर भी लग रहा होगा बच्चों, या तो इधर पुल कर रहा होगा या तो इधर। तुम पकड़ के देखो तो ये अगर इसको इधर पुश कर रहा तो ये इधर पुल कर रहा होगा एनएक्स, और इस पे एमजी का फोर्स लग रहा है। अगर मैंने यहाँ पे एन बताया, यहाँ पे एनएक्स बताया, तो कैन यू टेल मी कि एनएक्स इज इक्वल टू एन हो जाएगा, और ये कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट बताएगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स लॉ, बिकॉज इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, इस डायरेक्शन में दो ही फोर्स है, एनएक्स और एन। लेकिन न्यूटन्स लॉ से सॉल्व नहीं होगा कि ये है कितना, वी हैव टू टेक टॉर्ट। किसके अबाउट टॉर्ट? लेट्स टेक टॉर्ट अबाउट दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट के बाउट लेंगे तो एन वाई एन एक्स चला जाएगा, सिर्फ बचा एम जी, तो एम जी इंटू दिस डिस्टेंस आर क्रॉस एफ किधर होगा? इंटू द प्लेन, तो माइनस एम जी इंटू कौन सा, ए बाई टू या बी बाई टू? बी बाई टू, बी बाई टू, एन इंटू ए आर क्रॉस एफ आउट ऑफ द प्लेन। मुझे पता है बच्चे ने बैठे होंगे, हाथ नहीं घुमा रहे होंगे, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ आउट ऑफ द प्लेन। बाद में आगे बहुत डांट पड़ेगी, सर डायरेक्शंस पता ही नहीं चलता, यही आकर के बोलते हैं प्लस
n into this distance a. A. N is equal to क्या आ जाएगा एम जी बी बाई टू ए दिस इज n. अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो एन वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों एम जी एन एक्स इज इक्वल टू एन. मैं पूछूं व्हाट इज हिंज फोर्स रूट एन एम जी प्लस रूट एन स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर. हिंज फोर्स एन वाई स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर का रूट. एन वाई है बच्चों एम जी. एन वाई कितना है एन के बराबर है एम जी इंटू बी बाई टू ए. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम जी इंटू रूट ओवर वन प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर. दिस इज द आंसर हिंज फोर्स. अच्छा दिस इज एल सेप्ट रॉड फ्रेम. एल सेप्ट फ्रेम हिंज एट वन एंड कल इंडिया जीता या इंडिया हारा क्या हुआ कल मैच का. चलो अच्छा ये एल सेप्ट रॉड को यहाँ पे हिंज कर दिया जिसके बाद ये फ्रीली रोटेट करेगा. इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसा है इक्विलिब्रियम में वर्टिकल से ये रॉड थीटा एंगल बना रहा है. सो व्हाट इज टैन थीटा. टैन थीटा कितना है ठीक है ना. बच्चों कोई भी बॉडी है और किसी इसको कहीं किसी पॉइंट के बहुत हिंज कर दो जिसके बाद ये फ्रीली रोटेट कर सकता है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो हिंज पॉइंट के वर्टिकली बिलो होगा. तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी पूछा सर ऐसा क्यों कह रहे हैं सर सेंटर ऑफ मास यहाँ है. अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा बच्चों तो इस mg का इस पॉइंट के बाद टॉर्क होगा. अब दो ही फोर्स है हिंज फोर्स फ्रीली रोटेट कर सकता है टॉर्क है नहीं mg यहाँ पे तो mg का टॉर्क लगेगा. तो ये ऐसे रोटेट करके इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए इसलिए mg यहाँ पहुंच जाएगा सेंटर ऑफ मास. क्लियर. सो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होगा. मिडल में सर. बच्चों इसका अगर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ढूंढा जाए what is the coordinate of center of mass. एक मास यहां एक मास यहां. अगर इसको ओरिजिन लेते हैं तो l m into ये है l by 2 plus इसका x coordinate है m into 0 divide by 2m
एक्सपोनेंट एल बाई फोर आता था बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास का जो एक्सपोनेंट होगा इसके इसके बीच में होगा, एल एल बाई फोर पे होगा, दिस इज एल बाई फोर। And what is this? This is L by 2, this is L by 4, 3L by 4. ये हो गया L by 4, ये हो गया 3L by 4, so tan theta कितना हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आया? tan बच्चों एक हाफ डिस्क है, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। ये जो डायमीटर है हाफ डिस्क का, दिस इज वर्टिकल, फाइंड कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, मास रॉड का डिस्क का एम है, रेडियस इज आर। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको सॉल्व कर। बच्चों इस सवाल में कह दिया कि रॉड ये डिस्क इक्विलिब्रियम में, ये हिंज कर दिया, इसके बाद फ्रीली रोटेट कर सकता है। मुझे स्प्रिंग फोर्स निकालना है तो हम इसके बाद टॉर्क लेंगे, टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट। It talk about hinge point. किसका किसका टॉर्क है? mg का टॉर्क है, kx का टॉर्क है, बस mg का टॉर्क कितना होगा बच्चों? 4r/3π। अब mg का टॉर्क लिखना है तो वी नीड दिस डिस्टेंस, और तुम लोगों में से तो याद होगा नहीं किसी को, मैं ही बता देता हूं। क्या बात है, याद है तुम लोग को? अब मान लो ये याद नहीं है तो पहले तो डिराइव करना पड़ेगा, और आजकल के बच्चे याद कर लेते हैं, तो जिनको बच्चों को याद है वो बहुत इजीली कर लेंगे। इसका इनटू द प्लेन माइनस के एक्स का टॉर्क, के एक्स इंटू टू आर आउट ऑफ द प्लेन, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4mg/2mg/3π इंटू के, दिस इज योर आंसर। जो दो लैडर है,
यहां से दो रॉड को ज्वाइन कर दिया है और इस पॉइंट पे एक मास रख दिया। और ये एंगल थीटा है। या इसको ये वाला एंगल दे देते हैं थीटा। और रॉड का लेंथ सपोज एल बाई एल है और यहां से एल बाई थ्री डिस्टेंस पे एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया। यहां से L by 3 पर पूछा गया कि इस स्ट्रिंग का टेंशन निकालो। ये टोटल मास M है, इस रॉड का भी मास स्मॉल M, इस रॉड का भी मास स्मॉल M, यूनिफॉर्म रॉड है। पहला सवाल, कैन यू फाइंड एन, एन क्या होगा? मैं सवाल लिख रहा हूं एम जी, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एम जी बाई टू प्लस mg by 2, तीसरा ऑप्शन कैपिटल mg by 2 प्लस स्मॉल mg, चौथा ऑप्शन mg प्लस 2mg, व्हाट इज l? बच्चों यहां पे बच्चों ने कहा कि सर सी द करेक्ट ऑप्शन, यस करेक्ट। अगर हम इक्विलिब्रियम देखें तो ये दोनों आइडेंटिकल है बच्चों, ये हम सिमेट्री से बोल सकते हैं, ये एन इक्वल इक्वल होगा। सो 2m जो होगा इस पूरे के वेट को बैलेंस कर रहा है, कैपिटल एम जी स्मॉल एम जी स्मॉल एम जी, एन जो हो जाएगा उसका हाफ हो जाएगा, सी इज करेक्ट। अब हम बात करते हैं, हमें तो टी निकालना है और जब हम सिस्टम लिए तो ये टी लेने की जरूरत नहीं थी, वाई, और ये दे दिया स्मूथ सरफेस है ना, फ्रिक्शन नहीं लग रहा, टी लेने की जरूरत नहीं थी बिकॉज ये टी इंटरनल फोर्स। अब मुझे टी निकालना है तो अगर मैं सिस्टम लूंगा तो टी तो आएगा नहीं इक्वेशन में, किसका एफबीडी ड्रॉ करें, किसका एफबीडी ड्रॉ करें, एक लैडर कोई भी, एक लैडर का एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक लैडर का अगर एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो कहां से ड्रॉ करूं एफबीडी, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लू, तो हम लोग ना इस पॉइंट के अबाउट लेते हैं, जो यहां पे एमजी का फोर्स लग रहा है ये सब फोर्स एक रॉड दूसरे रॉड पे जो फोर्स लगा रहा है ये भी कुछ होगा, सो वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो फाइन टेंशन कंसीडर टेक टॉक अबाउट वर्टिकल पॉइंट, टॉक अबाउट वर्टिकल पॉइंट, इसके बाद टॉर्क कौन कौन सा हो जाएगा बच्चों,
टी का टॉर्क टी इंटू ये डिस्टेंस है 12/3 एंगल है थीटा टी इंटू कौन सा डिस्टेंस ये वाला कॉस थीटा 12/3 कॉस थीटा एन का टॉर्क देखोगे आप पॉइंट होगा बच्चों आर क्रॉस एफ इधर नहीं जाएगा तो ऐसे आर क्रॉस एफ इनटू द प्लेन ये सब नहीं समझ में आया तो अब तो डांट पड़ेगी बहुत समझाया पिछले लेक्चर में एन इनटू दिस डिस्टेंस एल साइन थीटा एम जी का टॉर्क आउट ऑफ द प्लेन प्लस एम जी एल बाई टू साइन थीटा दिस इज इक्वल टू जीरो एन का वैल्यू यहां से पुट कर दोगे तो टी का वैल्यू निकल जाएगा इज इट क्लियर एक सवाल और लेते हैं इक्विलिब्रियम पे जो एक रॉड लिया रॉड को ना अगर इसको जस्ट दीवार से टच करके रखा थोड़ा सा एंगल पे तो आराम से रहेगा थोड़ा बढ़ा दो और बढ़ा दो और बढ़ा दो एक पॉइंट पर ना जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा ये पॉइंट तो सबसे मिनिमम थीटा क्या होगा कि रॉड इक्विलिब्रियम में रहे ये निकालना है हमें तो यहाँ फ्रिक्शन का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा न्यूटन्स लॉ तो लगेगा ही तो ट्राई करो निकाल पाते हो क्या 11:30 नहीं सर 45 तक ही 45 तक चलो बच्चों इस सवाल में ये है कि मिनिमम म्यू निकाल सॉरी मिनिमम थीटा निकालना है सो दैट कि ये इक्विलिब्रियम में है जस्ट अबाउट टू स्लाइड है बच्चों इसका स्लाइड करने का टेंडेंसी किधर होगा इसका पीछे जाने का होगा सो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन दिस वे यहां पे बच्चों एंड बी लगेगा ये पॉइंट ए ले लिया ये पॉइंट बी ले लिया यहां पे फ्रिक्शन नहीं है स्मूथ दे दिया है इसका एम जी लगेगा सो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम फॉर वर्टिकल डायरेक्शंस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या लिख सकते हैं y डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो बच्चों y डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है एक na है ऊपर और एक mg नीचे है आ गया और अगर हम x डायरेक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू nb और फ्रिक्शन फोर्स बच्चों कितना होगा म्यू इंटू एन लिखूं क्या क्योंकि जस्ट अबाउट टू स्लाइड है
ये कॉन्सेप्ट किसका, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, हमेशा म्यू इनटू एन नहीं होता है। अब बताओ किसके बाद टॉर्क ले रहे हैं कि बहुत इजीली हमें एफ निकल जाए, बी जो भी है क्वेश्चन, बेहतर बी के बाद लेते हैं, बी के बाद टॉर्क, किसका किसका टॉर्क है। अच्छा अगर हम बात करें बी के जगह पे ए लेना मुझे लगा कि ज्यादा अच्छा है, रीजन इज ए से लेंगे तो फ्रिक्शन तो चला जाएगा, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस की बात करें एंड बी इज इक्वल टू एफ हो जाएगा कि नहीं। इफ वी टेक टॉक अबाउट ए, ए से लेने से थोड़ा सा फायदा एन ए और एफ दो का टॉक जीरो हो जाएगा, चूंकि एफ इक्वल टू एन बी लिख लिए हैं, एन बी का टॉक हो जाएगा बच्चों आर क्रॉस एफ एल साइन थीटा। इसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन माइनस mg का टॉर्क प्लस mg इनटू l बाय टू ये वाला टर्म। और यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज एन बी को एफ लिख लोगे माइनस म्यू इंटू एन ए, एन ए कितना है एम जी है एल साइन थीटा प्लस एम जी एल बाय टू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू जीरो, यहां से आ जाएगा थीटा। क्या ये बात क्लियर हो गई। सो नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल स्टार्ट इफ बॉडी इज रोटेटिंग तो कितना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा और टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए होता है यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होगा, इसका प्रूफ भी बताऊंगा, इसका प्रूफ भी बताऊंगा और फिर इस पे बेस्ट सवाल होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर को मिस नहीं करेगा।